अज्ञानतिमिरांधश्रे ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम तस्म श्री गुरुवे नमः टुडे आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू बी हियर इन दिस ब्यूटीफुल कैंपस बिफोर आई स्टार्ट जो हमारे वृंदावन की सिग्नेचर है मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ एक बार बोलेंगे दोनों हाथ उठाकर राधे राधे मैं पहली बार ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि इस तरह एक यूथ के बीच में जा कर के अपनी कुछ बातें रख सकूं मुझे बताया गया कि पहले मुझे इंट्रो देना है अपना थोड़ा सा जो ये ये भी पहली बार ही होगा क्योंकि अक्सर सुना है अपने बारे में इंट्रोडक्शन uh, बस इतना कह सकती हूँ कि एक वो छोटी सी बच्ची जिसका जन्म ब्रज में हुआ वृंदावन में हुआ लकी नहीं कहूँगी लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रही कि मुझे मेरा परिवार फैमिली एनवायरमेंट शुरू से ही भक्ति से स्पिरिचुअल पाथ से जुड़ा हुआ मिल गया लोग आज भी पूछते हैं कि डिड यू मिस योर चाइल्ड हुड सो मैं एक ही बात कहती हूँ कभी कभी कुछ बड़ा पाने के लिए अगर छोटा सा छोड़ना भी पड़े तो हँस के छोड़ देना चाहिए क्योंकि आपको पता है आगे एक बहुत अच्छा फ्यूचर है एक बहुत अच्छा भविष्य है और एक और चीज़ मैं इतना कह सकती हूँ कि आई वॉज़ चूजन फॉर दिस कभी कभी लगता है कि आप किसी चीज को चुनते हैं लेकिन मुझे लगा कि अध्यात्म ने मुझे चुना या भगवान ने मुझे चुना ये मेरी जर्नी सात साल की एज से शुरू हो गई सात साल का बच्चा जिसको कुछ नहीं पता होता कौन भगवान कैसे भगवान और फिर धीरे धीरे ये यात्रा बढ़ती चली गई लोगों के लिए प्रेम बढ़ता चला गया भगवान के लिए झुकाव बढ़ता चला गया और फिर 2013 में एक आ, मैंने हॉस्पिटल की शुरुआत की जो कि एक पशुओं के लिए बनाया गया जो कि एक वेटनरी हॉस्पिटल जिसमें गायों की और सभी जीवों की सेवा हो सके और ये जर्नी ऐसी कंटिन्यू चलती जा रही है आई थिंक दैट्स इनफ मेरा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जानने के लिए और मैं एक भागवत प्रीचर हूँ जो भगवान के नाम का प्रचार ग्लोबली सारी दुनिया में करने का प्रयास कर रही हूं अब नाउ द क्वेश्चन हेयर इज कि ये रास्ता क्यों आई थिंक आप जितने भी यहां बैठे हुए जितने मुझे सुनेंगे हम सेम एज ग्रुप के लोग हैं और इस एज ग्रुप के लोगों को लगता है कि भजन अध्यात्म भगवान अरे बुढ़ापे में कर लेंगे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है अभी कहां से ये सब करने की जरूरत है तो यही क्यों तो मेरे पास एक ही आंसर है यहाँ सारे जितने बैठे हैं आप सब वेल well एजुकेटेड है अच्छे से जानते होंगे कि मान लीजिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए मेरी लाइफ में बहुत पैसा है टेक दैट एज अ ज़ीरो बहुत पैसा होना हमारी लाइफ में एक ज़ीरो है एक ज़ीरो डिजिट है एक अच्छी गाड़ी चाहिए अनदर ज़ीरो अच्छी फैमिली चाहिए एक और ज़ीरो बट इतनी सारी जीरोज होने के बाद वो टिफिन सब जीरोज के आगे एक ना हो विदाउट वन सारी जीरो वर्थलेस है कोई काम नहीं है उसका मेरे नजर से हम लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल बन जाएं हम कितना भी नाम कमा लें पैसा कमा लें गाड़ी बना लें बंगला बना लें वो सब जीरोस तो हैं, बट उनकी वैल्यू तभी होगी जब उनके आगे एक होगा दैट वन इज गॉड फॉर मी दैट वन इज भगवान जिनके बगैर सारी चीजें वर्थलेस है अगर वो भगवान नहीं होगा तो अब यहां जितने बैठे जैसे मैंने कहा सब साइंस वाले भी होंगे कुछ अच्छे पढ़े लिखे और जब हम ज्यादा Uh, किताबों को पढ़ते हैं तो हमारे मन में वाय बहुत आता है एंड दैट्स अ गुड थिंग कि हर चीज को जानने के लिए क्यों भगवान ही क्यों आर्ग्यूमेंट सबसे ज्यादा आती है कि भगवान दिखता तो है नहीं तो फिर माने क्यों और साइंस कहती है कि द थिंग विच यू कैन नॉट ऑब्जर्व इन लेबोरेटरी डज नॉट एग्जिस्ट लेकिन व्हाट अबाउट द पेन वी फील अगर कोई कहे कि मुझे हाथ में दर्द हो रहा है मैं बोलूं दिखाओ कैसा है दर्द लाल है हरा है पीला है काला कैसा है तो आप कहेंगे नहीं हम दिखा नहीं सकते बट फील कर रहे हैं दुख हम दिखा नहीं सकते बट यू कैन फील कि आज मैं दुखी हूँ आज मेरा मूड खराब है मैं आपसे पूछू मूड दिखाओ तो सही कैसा दिखता है तो नोबड़ी नोज कि मूड का शेप एंड साइज क्या है पर मूड होता है वैसे ही भगवान दिखे न दिखे और भगवान हर जगह हर व्यक्ति के भीतर है और उसको फील करना उनको महसूस करना दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या जीवन में क्या करना चाहिए क्यों भजन करना चाहिए अरे भाई हम क्यों करें आप कहते हो कि पशुओं की सेवा करो आप कहते हो भगवान के सामने जाओ क्या मिल जाएगा उससे ये आर्ग्यूमेंट्स कभी कभी हमको जैसे हम स्कूल में गए हमने कभी टीचर्स से आर्ग्यू नहीं कहा कि ए के बाद बी ही क्यों आता है हम तो ए के बाद सी बोलेंगे हमारी मर्जी बट ऐसा नहीं होता हम कहते नहीं नहीं जो हमको बताया गया है हमारे कल्चर ने जो हमको बताया है, हमारी जो इंडियन जो कल्चर है हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसने जो हमको बताया उसको हमको रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करना चाहिए जहाँ क्वेश्चन चाहिए वहाँ ज़रूर करिए बट अदरवाइज़ अगर भगवान हमारी लाइफ में नहीं होंगे तो आई थिंक हमारी जो लाइफ है वो ज़ीरो के बराबर है हम नेचर की बात करें अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ इस माइक के पीछे देर इज़ अ साउंड सिस्टम एक ऑपरेटर है जो इसको वर्क कर रहा है इस लाइट के पीछे एक ऑपरेटर है इस चेयर को बनाने के पीछे एक मैन्युफैक्चर फैक्ट्री होगी इस टेबल को बनाने के लिए एक कोई बनाने वाला होगा जब हर चीज़ के पीछे एक सिस्टम है तो इस दुनिया को बनाने के पीछे भी तो एक सिस्टम होगा कोई तो होगा जो इस दुनिया को सिस्टम से चला रहा है एंड टू फाइंड दैट पर्सन दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ कौन है जो इस दुनिया को चला रहा है वो दिखे भले नहीं अच्छा यहां सब लोगों ने बटर खाया है ब्रेड के ऊपर कहां से आता बटर बताइए ना कहां से आता है फ्रिज से बटर आता है बटर मिल्क दूध दूध को पुराने जमाने में वो निकालते थे और फिर उससे घी निकलता है बटर मक्खन निकलता है बट आपको अगर इसका प्रोसेस ना पता हो और आपको दूध दे दिया जाए और आपसे ये कहा जाए इस दूध में दिखाओ मक्खन दिखाओ कहाँ है तो आप दिखा सकते हो नहीं दूध में मक्खन दिखेगा नहीं बट दे इज अ प्रोसेस वो करने से उस दूध से बटर निकलता है मक्खन निकलता है एग्जैक्ट सेम इस दुनिया में भगवान हर जगह है पर उसको देखने के लिए यू नीड अ प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज आर स्क्रिप्चर्स दैट प्रोसेस इज भगवद गीता भागवत, पुराण वेद उपनिषद शास्त्र वो एक प्रोसेस है जो आपको एनालाइज कराएगा कि कण कण में भगवान है और उसने अगर ये दुनिया बनाई है तो बहुत सोच समझ के बनाई है आप सोचो इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशन है किसने की है ह्यूमन ने बट ह्यूमन के पास जो इंटेलेक्ट आया है वो किसने दिया है आप कहोगे नेचर ने बट नेचर किसने बनाया है देश संबड़ी जिसने इस नेचर को क्रिएट किया है उसको ढूंढना है एक बार अकबर ने बीरबल से एक क्वेश्चन पूछा पूरी स्टोरी पूरे वर्ल्ड में फेमस है अकबर बीरबल के किस्से तो अकबर ने पूछा कि भगवान कहाँ है वो दिखता क्यों नहीं है और अगर उसको देखना है तो क्या करें और भगवान करता क्या है तीन क्वेश्चन थे तो बीरबल ने उसको सेम जो मैंने एग्जाम्पल दिया दूध ला दिया और कहा कि इसमें आपको मक्खन दिख रहा है उसने कहा नहीं तो उसने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया दूध में मक्खन है बट दिख नहीं रहा है देखने के लिए आपको क्या उसको मथनी करो और मक्खन निकालो फिर आपने पूछा कि कैसे दिखता है तो उसके लिए जैसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे एक मेहंदी का पत्ता होता है उसमें मेहंदी दिखती नहीं है बट होती है तो बीरबल की बात सुन के अकबर ने कहा ठीक है तीसरा क्वेश्चन भगवान करता क्या है तो बीरबल ने कहा इसके लिए जहा पना आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा स्टूडेंट बनना पड़ेगा जब दो क्वेश्चन मैंने बता दिए तो तुम सामने बैठो मैं तुम्हारी गद्दी पे गुरु बन के बैठूंगा तो बीरबल गद्दी पे बैठा और अकबर नीचे क्योंकि सुनने वाला सामने बैठता और कहने वाला थोड़ा ऊंचा होता है तो बीरबल नीचे जाके बैठ गया और फिर बीरबल ने हंसते हुए कहा कि जहां पना आपने पूछा भगवान करता क्या भगवान ये करता है क्या करता है कब राजा को रंग पर रंग को राजा बना दे ये केवल भगवान कर सकता है सीट एक्सचेंज कराने में उसको टाइम नहीं लगता कभी भी एक पल में एक एक सेकंड में सब कुछ बदल सकता है फिर हम क्या करते हैं अगर सब कुछ भगवान करता है तो फिर हम कहाँ हैं हमारा क्या रोल है इस दुनिया में आ, कोई यहां जो बैठे कोई अब्रॉड गया है कभी कोई गए एक आध गए एक आद ने देखा होगा मूवीज में देखा होगा वेब uh, सीरीज में देखा होगा तो जब आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेते हैं तो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है कि टेक ऑफ फॉर लैंडिंग ये किसके हाथ में होती है आई नीड योर आंसर पायलट के हाथ में हम तो ऑपरेट नहीं कर रहे टेक ऑफ लैंडिंग उस पायलट के हाथ में होती है फिर हमारे हाथ में क्या है ड्यूरिंग द जर्नी हमको क्या करना है कुछ लोग मील इंजॉय करते हैं कुछ लोग सामने एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है उस पर मूवी देखते हैं कुछ अपना लैपटॉप ले जाते हैं उस पर काम करते हैं कुछ लोग होते हैं जिनको बुक्स पढ़ने का शौक है वो बुक्स पढ़ते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनको सोने का शौक है तो जाते ही एयर होस्टेस से ब्लैंकेट लेंगे सर पे डालेंगे डू नॉट डिस्टर्ब का साइन ऑन सो गए लाइफ की टेक ऑफ और लैंडिंग ये दोनों भगवान के हाथ में मतलब जन और मृत्यु ये दोनों भगवान डिसाइड करते हैं बट उसके बीच की जो जर्नी है उसमें हंसना है रोना है सुखी होना है दुखी होना है किसी को परेशान करना है या किसी को खुशियां देनी है वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में इसमें गॉड भगवान जिस जो भी आप बोलते हो वो कहीं भी इंटरफेयर नहीं करते हैं लोग मैं एक आध्यात्मिक प्रीचर हूं भागवत कथा करती हूँ लोग कहते हैं भगवान ही तो करा रहे सब कुछ भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं गलत भी तो भगवान ही करा रहे बिल्कुल नहीं भगवान ने हमको बुद्धि दी एंड उन्होंने डिसीजन हमारे हाथ में छोड़ दिया कि अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें जन्म और मृत्यु के बीच में जो होता है वो होता है जीवन और वो जीवन केवल और केवल हमारे अपने डिसीजंस पर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो आप कितनी खुशियां देना चाहते हो क्योंकि जब आप भगवान को मानने लगते हो तो व्हाट नेक्स्ट नेक्स्ट इज आपके भीतर काइंडनेस आ जाती है आपके भीतर जेलसी खत्म हो जाती है ईर्षा खत्म हो जाती है क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास आप किसी भी फील्ड में हो अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप अपने अपने कंपटीशन से जेलिस हो जाओगे आप स्टूडेंट हो स्टूडेंट लाइफ में आपको अपना कोई कंपटीशन दिखा जेलिसी अपने आप ऑटोमेटिकली आ गई और जेलिसी ईर्षा इतनी बुरी चीज है कि आदमी खुद वो एक आ, सिनेमा की लाइन है कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें तो भी ले डूबेंगे माहौल को लाइट बनाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं कभी कभी सुनाती हूँ एक बार एक आदमी भगवान शंकर के पास गया तो भगवान महादेव से उसने कहा कि आ, महादेव मुझे कुछ चाहिए तो महादेव ने कहा जो चाहिए ले लो दुनिया का हर खुशी हर पैसा सुविधा जो चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ बट दे इज वन कंडीशन क्या जो तू बोलेगा जो तू मांगेगा तेरे पड़ोसी का अपने आप उसका डबल हो जाएगा अब बोल क्या चाहिए तो वो तो बेचारे का दिमाग एकदम हिल गया सोच के तो इतनी लंबी लिस्ट आया था बट अब कैसे बोले तो उसने महादेव समझ गए कि बच्चा कंफ्यूज है तो महादेव ने कहा कोई बात नहीं टेक योर टाइम तू डमरू ले जा मेरा और जब तेरा फाइनल निर्णय डिसीजन हो जाए तो बजा देना तो घर आया रात को सोच रहा क्या मांगू एक करोड़ मांगूंगा तो ये पड़ोसी का बैठे बिठाए बिना मेहनत किए इसको दो करोड़ मिल जाएंगे मैं एक गाड़ी मांगूंगा इस, इसने तो मेहनत करी नहीं इसको दो गाड़ी मिल जाएगी सोचता रहा एक दिन दो दिन पांच दस दिन हो गए एक दिन इसने हिम्मत करके डमरू बजा दिया और जैसे डमरू बजाए भगवान शंकर आए भगवान ने कहा बेटा तैयार बोले हाँ तैयार सोच लिया सोच लिया बोल क्या चाहिए तो हाथ जोड़ के बोला महादेव ऐसी कृपा कर दो मेरे पड़ोसी की एक टांग टूट जाए क्यों उसकी एक टूटेगी मेरी एक एक टांग टूट जाए मेरी एक टूटेगी तो उसकी बैठे बिठाए दो टूट जाएंगी और तब मजा आएगा देख करके आ जब वो चल नहीं पाएगा जब वो हिल नहीं पाएगा महादेव ने कहा ये है कलयुग आदमी खुद मर जाएगा लेकिन जिससे उसको जेलसी है जिससे उसको परेशानियां हैं उसको मारेगा जेलसी खत्म करनी है तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा अपने आजकल टाइम में कंपटीशन बहुत है आप लोग कहेंगे कि हम जिस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं वहाँ कंपटीशन होना चाहिए ज़रूरी है तभी हमारा फ्यूचर ब्राइट होता हम कुछ नया सीख पाते बट इज अ थिन लाइन की कंपटीशन और जेलसी कब कन्वर्ट हो जाए ईर्ष्या में कब कन्वर्ट हो जाए भगवान को मानने वाला भगवान को चाहने वाला कभी भी किसी भी व्यक्ति से जलेगा नहीं क्यों क्योंकि उसे पता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना जो हर जगह पर अपने भगवान को देखेगा वो कभी किसी को दुख नहीं देगा कभी परेशान नहीं करेगा